लेकिन ये दुकान कागजात किस दुकान से मिलेंगे? बेअकली के। अच्छा अबे, नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक। उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। पैसा 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 कहाँ से आएगा? अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था, ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ थूक खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ आएगा क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ, और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत। बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले, पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? चार जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। क्या नाम बताया? सुनील नहाटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू। लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे साथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना समझे। रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे। मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? गिरवी क्या रखा है? मारू। मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने बिजनेस करने की क्या सोची, उन्होंने तो कर्जा देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो ब्याज पे ले लो। हाँ लेकिन हर हफ्ते ब्याज देना पड़ेगा। उसकी फिक्र क्या दीदी, धंधे का पैसा बरसने लगेगा तब तक। दो चार छींटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हट जरा। दीदी वो हमारी इतनी मदद कर रहे, जरा अपने हाथों से मिठाई दे देना प्लीज। 2 किलो की है, सोने का वर्क है। अच्छा। हाँ। पहले तो मिठाइयां चांदी के वर्क में हुआ करती थी। अपने हाथों से ये मिठाई उन्हें देना और उनसे पैसे लेके हमें देना आशीर्वाद के साथ, उसी के लिए तो हम यहाँ आए। डोर आ गया, चलो चलो। आ गया हरामी। नमस्ते। घर तो अच्छा है, सामान इनका है या भाड़े पे लाए? इनका अपना है मामा जी। आप बैठी ना, बैठी ना, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी दीदी। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे हैं। दोस्त, ये और वो, तीनों दोस्त। रोकड़े लाया हुआ है, ब्याज देना पड़ेगा हर हफ्ते पूरे 10%। जिस दिन ब्याज चुके उस दिन सोना गायब। दीदी ये मामा जी, मामा जी ये दीदी जी। नमस्ते जी। आप बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच। खुशी तो मुझे भी है, ब्याज जो लेने वाला हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दीदी दीजिए ना, बॉक्स दीजिए। लीजिए ना। कहने, कहने। हाँ अच्छा अच्छा, कितना है? दो दो? दो किलो, दो किलो। सोने का है ना? हाँ हाँ, वक वक, सोने का वक। हाँ सोने का ही है, आजकल चांदी का जमाना तो गया। थैंक यू। ये आप अपने पास रखिए ना, आप कॉफी ले आइए ना मामा जी के लिए प्लीज। पंकज आप ले आइए ना, आप रखिए कॉफी। हम्म।
ये रहा एग्रीमेंट और ये दुकान की चाबी। अब एक साल के लिए दुकान आपका, चाहे धंधा करो या भजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो 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 नो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आप? आपके पहले टकलू मैनेजर था, उसने कहा शोरूम के कागजात दिखाओ और लोन लेकर जाओ। हाँ, वो टकलू था, मैं नहीं हूँ। मामा का लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने भारी ब्याज पे शोरूम के लिए रकम उठाई है। देखिए, अगर आपने लोन नहीं दी तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। प्लीज देखिए, मैं लोन नहीं दे सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों? ये बैंक तेरे चाचा की है। गेट आउट यू फूल्स। रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? या मारा। अब पता नहीं क्या होगा। अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे। बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है। जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबा रहे। बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत। मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला, तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना, कुछ बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? अबे देख 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 कौन है? मामा ने कौन है? हीरो आया? ए शूटिंग है क्या? ए बोल ना। ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय। अरे तू यहाँ? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे? बाय द वे, हाँ हमारी शादी हो गई यार। अरे अरे, ये गाड़ी भी तेरी है यार? तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ। शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल, कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट पक्या। चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस। बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारी भी निकल पड़ेगी। हाँ लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से? आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है। थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी, फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से। क्या हुआ? हमारे पड़ोस में आग लग गई। नहीं आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी और एक दादा भी है। तो दादा फटाका है? नहीं नहीं, वो फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम चबा आँख, हीरे की आँख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई, लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पकिया में वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है मारू, जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। भाई मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी लेकर? बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। बोलो मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। हाथ में लगा। कहाँ है? आजा। आई आई आई। अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या चेहरा? दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है? हा? बाकी मस्त है। ये बाइनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे
अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार? हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। माँ कसम, वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है? बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं, ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 निकलो, बारो। चौथा कहाँ है? आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है। आज पैसे देंगे, कल अमीर हो जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे। तुम जाने और तुम्हारे कूड़े लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहाँ तो जंग चल रही है। हाँ। सारे इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से।